मजहबी शख्सियत के खिलाफ नरसिंहाबाद के नंद के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु फरंगी महली ने राज्य के डीजीपी से शिकायत की है। उनकी माने तो इस मामले को लेकर के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेमोरेंडम के जरिए एक सख्त कानून बनाने की मांग की गई है ताकि कोई भी किसी भी मजहबी शख्स के खिलाफ बयान देने से पहले से बाजाए। जिस तरीके से यकीनन सिंघानंद ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, जिससे न सिर्फ ये कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का बल्कि पूरे दुनिया भर में फैले अरबों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की नापाक हरकत की है। इसी सिलसिले में आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के एक डेलीगेशन ने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें कि इस बात की डिमांड की गई कि इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाकर उसको जेल भेजा जाए और जो लोग भी इस तरीके की हरकतें करें उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। और इस सिलसिले में इस मेमोरेंडम में ये भी डिमांड की गई है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से ये सिफारिश करें कि नेशनल लेवल पर एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिसके तहत कि अगर कोई भी शख्स किसी भी मज़हब या किसी भी मज़हबी शख्सियात के ख़िलाफ़ कोई भी बेहुदा बात कहे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। और आप सब जानते हैं कि हमारा ये जिस तरीके से यकीनन सिंघानंद